शोपियां के चिरमांग जैनपुरा इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक आतंकी के छिपे होने की खबर, तलाशी जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की, उपराज्यपाल, एनएसए और थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। दिल्ली में आईईडी बरामदगी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, आईईडी रखने में इस्तेमाल बाइक दिलशाद गार्डन मेट्रो की पार्किंग से बरामद। सीसीटीवी कैमरे में देखी गई थी बाइक, उसी पर बैठकर दो संदिग्ध गए थे गाजीपुर और प्लांट की थी आईईडी। 2020 में शास्त्री पार्क से चोरी हुई थी बाइक। अयोध्या के गोसाईगंज में एसपी और बीजेपी प्रत्याशी में बवाल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार, गोलीबारी का आरोप। रायबरेली में आज गृहमंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी का आमना सामना, दोनों करेंगे धुआंधार प्रचार। अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन, सबसे पहले पीलीभीत में प्रचार। यूपी में रविवार को तीसरे चरण में 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान। आपने सुखबीर बादल की शिकायत की फेसबुक पर वोट मांगने का आरोप। गोवा में भी मनी शिवाजी जयंती, सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। बारामती में सबसे बड़े पंचायत समिति कार्यालय का आज शरद पवार करेंगे लोकार्पण, डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। यूक्रेन में फंसा मुजफ्फरपुर का बेटा, पिता ने सरकार से की वापस लाने की गुहार। औरैया में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दो की गिरफ्तारी। पैसों के लेन देन को लेकर दिल्ली में कारोबारी का कत्ल, दफ्तर बुलाकर मारी गोली। हत्या के बाद पालम इलाके में कातिलों ने फेंकी लाश, दो आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में सुभाष चंद्र बोस आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं ने किया हंगामा, खाने में कीड़े निकलने का आरोप। असम के काजीरंगा में सड़क हादसे में वायुसेना अफसर की मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। फिल्म अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर आज एक बार फिर रचाएंगे ब्याह, खंडाला में सिंगर और एक्टर शिवानी दांडेकर से करेंगे शादी। अपने पिता फरहान अख्तर की शादी में शामिल होंगी उनकी दोनों बेटियां शाख्य और अकीरा, अधूना भवानी है दोनों की मां। फरहान अख्तर ने अपनी पत्नी अधूना से साल 2017 में लिया था तलाक, बेटियों की शिवानी से बताई जा रही है अच्छी बॉन्डिंग।